नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो में सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे मिल रहे फीडबैक एवं रिस्पांस के कारण से ही मैं अलग-अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं। आप मुझे इसी प्रकार से कमेंट करते रहें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या आप किसी और विषय पर स्पेसिफिकली मुझे सुनना चाहते हैं, तो आई विल ट्राई कि मेरी उस विषय पर जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो ऐसा ही एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मेरे को मिला, वो मुझे ये कहा गया, ये फीडबैक मिला कि सर, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट होता है किसी होम लोन के संदर्भ में, हम इसका डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। तो मैं सर आपसे इसी विषय पर आज डिस्कशन करने जा रहा हूं कि हाउ टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विच एन असेसी हैज पेड फॉर द पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर एक्विजिशन, व्हेन द इंटरेस्ट हैज बीन पेड बट द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन हैज नॉट येट कंप्लीटेड। तो देखिए सर, सबसे मूल बात यह है कि हम जो भी डिडक्शन क्लेम करते हैं इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन हमारे को सेक्शन 24 क्लॉज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम करने को मिलता है। अब ये सेक्शन 24 क्लॉज बी का जब हम डिडक्शन क्लेम करते हैं इंटरेस्ट का, तो वहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी का अभी एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ या कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, तो उस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट आपको जिस ईयर में आपका एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, उस ईयर सहित टोटल 5 ईयर्स में जाकर के मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने वित्त वर्ष 2018-19 में एक फ्लैट बुक कराया बिल्डर के पास 80 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए बिल्डर को दे दिए, 70 लाख रुपए मेरे को लोन से लेकर के चलना है। अब वो 70 लाख रुपए के लोन में से भी मैंने 20 लाख रुपए वित्त वर्ष 18-19 में लोन के थ्रू रिलेवेंट बिल्डर को प्रोवाइड करा दिए, और उस 20 लाख रुपए पर मैंने 2 लाख रुपए का ब्याज रिलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को दे दिया। क्या ये 2 लाख रुपए का ब्याज मुझे वित्त वर्ष 2018-19 यानी असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न भरते समय क्लेमेबल होगा? स्पष्ट आंसर है सर, नहीं। कई लोग सर ये तक कर लेते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी सुविधा देते हैं कि हम उस पर ईएमआई शुरू कर सकते हैं कि मेरा 20 लाख का डिसबर्समेंट हुआ, उसके ऊपर ईएमआई शुरू कर लूं और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन फिर मुझे मिल जाए क्योंकि प्रिंसिपल भी पे हो रहा है। सर, अगर मैं लॉफुली आंसर दूंगा तो इस तरीके के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि लॉ में ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं। हालांकि सरकार को इस विषय पर अमेंडमेंट ला करके क्लैरिटी देनी चाहिए कि हाँ, इस तरीके के इंटरेस्ट का डिडक्शन भी लोगों को मिले, क्योंकि उन्हें आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लग चुकी है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था तो यह है कि इसका डिडक्शन की कोई स्पष्ट व्यवस्था लॉ में इस प्रकार की नहीं है कि आपको मेरे उदाहरण में वित्त वर्ष 18-19 में मुझे 2 लाख के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिले। फिर कब मिलेगा सर? मान लीजिए मुझे बिल्डर ने पोजेशन ठीक अगले साल वित्त वर्ष 19-20 में दे दिया, तो 19-20 में सर मेरे को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पिछले साल का, और 19-20 का मान लीजिए मैंने बाकी का 3 लाख रुपए का ब्याज और दे दिया, तो टोटल 2 लाख प्लस 3 लाख मुझे 5 लाख रुपए के ब्याज का डिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यदि ये प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी ये फ्लैट जो मैंने बिल्डर से लिया है, तो मेरा डिडक्शन किसी भी सूरत में 2 लाख से ऊपर नहीं होगा। परंतु हाँ, यदि ये प्रॉपर्टी रेंटेड है तो सर मेरे इंटरेस्ट का क्लेम 5 लाख रुपए भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी प्रकार के डिडक्शन के क्लेम पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। यानी सर, बात समझने की क्या है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिस वित्त वर्ष में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो उन ईयर्स में मिलेगा ही नहीं आपको, और वो इस ईयर में आकर के इकट्ठे होकर के 1/5, यानी मैंने जो अपना उदाहरण दिया उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, मैंने 5 लाख रुपए बोल दिया, मैंने 2 लाख रुपए वित्त वर्ष 2018-19 में दिए, और मैं मान लेता हूं 3 लाख रुपए मैंने वित्त वर्ष 19-20 में दिए, तो 2 लाख का 1/5 भाग यानी 40,000 प्लस 19-20 का ब्याज 3 लाख, यानी मुझे टोटल 3,40,000 मिलेगा, और बाकी के जो 40,000-40,000 हैं वो अगले 4 वर्षों में और मिलेंगे। तो इस प्रकार से सर, जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट है, वो आपको 5 किस्तों में मिलने की व्यवस्था है लॉ में, ऐसा हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब यदि कोई असेसी गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट करके इस तरीके के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेता है, तो उसकी वजह से कल हुई किसी इनकम टैक्स इंक्वायरी में सर उसको ये फेस करना पड़ सकता है कि डिडक्शन डिसअलाउ हो, और फिर असेसी को उस अमाउंट के कारण से कोई पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स को फेस करना पड़े।
तो सर मैंने अपनी ओर से जो मेरी नॉलेज थी वो आपके सामने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने की रखी। एक मैं एडिशनल पॉइंट यहाँ देना चाहता हूँ सर, वो आप सबको निश्चित रूप से बेनिफिट देगा। क्या बेनिफिट सर? हम लोग जब होम लोन लेते हैं सर, तो बहुत सी बार प्रोसेसिंग फीस का भी भुगतान करते हैं, और कई बार हम चलते लोन में इंटरेस्ट रेट का जब वेरिएशन कराते हैं तो उस वेरिएशन के लिए भी रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, फीस चार्ज कर लेता है। तो सर इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग फीस है, यदि आप उसे संपत्ति की लागत में नहीं जोड़ रहे, तो मेरी ओपिनियन में सर ये फीस भी एक प्रकार का ब्याज ही है, और आप इसे अपने ब्याज में इंक्लूड करते हुए इसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो सर ये जो एडिशनल पॉइंट मैंने दिया है ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसका ध्यान रखें। यदि आप इसको क्लेम कर पाएं तो बहुत अच्छा है। सो दिस इज हाउ आई हैव ट्राइड कि आपको इंटरेस्ट जो प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड का है वो कैसे क्लेमेबल है। यदि इस पर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। मुझे सुनने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।